सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे कौशल किशोर जी, आवासन एवं शहरी कार्य के राज्य मंत्री भारत सरकार। सर, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को क्योंकि आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी। कौशल किशोर जी से किस तरीके से कार्य सरकार कर रही है उस पर बात करेंगे। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू ममता, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ ऐसे डॉक्टरों को बुलाया जाए जो राजनीति से हैं, वो सारी राजनीति की तस्वीर जो है अपनी डॉक्टरी से बदल दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की वही स्थिति है। आपको बुलाने का मेरा ये मकसद था कि भाई हम लोग कौशल किशोर जी को इसलिए बुलाएं क्योंकि आप नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज के नौजवानों के लिए ये संदेश बहुत आवश्यक है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने तकलीफ देखी हो, वो भी अपने परिवार में, उसके बाद लोगों को शपथ दिला रहा है कि नहीं हमें नशे से दूर रहना है। तो मेरे मन में ये सुबह से ही था कि नहीं हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे और इस अभियान को इंडिया न्यूज़ भी जरूर सपोर्ट करेगा क्योंकि अगर आप नशे से मुक्त रहेंगे तो मैं समझता हूँ आप निरोग रहेंगे, आपको दवा की जरूरत नहीं होगी। कौशल जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूँ कि ये आखिर ये अभियान आपने क्यों शुरू किया, ऐसी जीवन में कौन सी घटना हो गई जिसने आपको इसके लिए प्रेरणा दी और अभी तक आपने इसको लेके आप किस तरीके से पूरे देश भर में अलग जगाने का काम किया है? नशे के खिलाफ तो मैं पहले से ही था जी, मीटिंगों में लोगों को बोला करता था, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कभी शराब की एक बूंद नहीं लिया, कभी एक चुटकी मसाला नहीं लिया, कभी सिगरेट का एक कस नहीं लिया। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है जयदेव जी जी, मेरा बेटा एक आकाश किशोर, घर का नाम जेबी। दोस्तों के चक्कर में पड़ करके शराब पीने लगा, मुझे 4 साल बाद पता चला, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं वो चुरा के ही करते हैं। जब पता चला तो उसे ड्रग एडिक्शन सेंटर में मैंने एडमिट कराया, 6 महीने ठीक हो गया, उसकी शादी कर दी, उसकी पत्नी श्वेता है जी, एम काम किए हुए, एक बच्चा हो गया। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, फिर वो शराब शुरू किया और फिर कई सेंटर में मैंने एडमिट कराया लेकिन नहीं छूट पाई। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उसकी चिता में आग लगाते समय, कोई तैयार नहीं था, हम लोग सामूहिक तरीके से उन्हें अग्नि दी जी जी। ये सोच में आया कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा जो है नशे की वजह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा भी, बताया भी कि नहीं आपको ये नहीं बोलना चाहिए, मगर हमने संकल्प लिया कि नहीं, निर्णय किया कि हमारी बहू विधवा हो गई, मेरा जो ग्रैंडसन है पोता वो बिन बाप का हो गया, कोई और लड़की विधवा ना हो, किसी और माँ की गोद सुनी ना हो, कोई बच्चा बिन बाप का ना हो, इसलिए अपने नाम से एक नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का मैंने शुरू किया। और पहला कार्यक्रम लखनऊ में 3 दिसंबर 2020 को लखनऊ के गांधी भवन सभागार में आदरणीय मुख्यमंत्री आए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 1000 लोगों से संकल्प जी जी, हर महीने एक व्यक्ति को जोड़े और वो एक व्यक्ति को जोड़े, तो इस तरह एक आदमी के द्वारा एक साल में 2048 लोग जुड़ जाते। ये कंटिन्यू किया इसको और भी 31 दिसंबर 2022 तक जी पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोगों ने नशा न करने का संकल्प लिया। हम उन पे काम करते हैं। 10 करोड़ प्लीज तालियां बजाइए भाई, ये बहुत बड़ी बात है, ये 10 करोड़ हम उन पे काम करते हैं जो लोग नशा नहीं करते, उनको हम नशे की दुनिया में जाने से रोकने का काम कर रहे हैं, उनका संकल्प करा रहे हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के। तो उसको आप पूरे डेटा मेंटेन रखते हैं आप? हाँ, डेटा मेंटेन करते हैं और अभी हमारा टारगेट है 31 दिसंबर 2023 तक जी 23 करोड़ लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेना। और अब तक के 31 दिसंबर 2022 तक करीब 20,000 से ज़्यादा लोग जो नशा करते थे, उनके बच्चे जब मेरे इस आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने कहा पापा आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही, तो धीरे धीरे उन लोगों ने नशा छोड़ दिया। तो एक जो प्रैक्टिकल है वो बच्चे लिखते हैं, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हम अपना मोहल्ला रखेंगे नशा मुक्त। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस में जैसे हम गए, आपका गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी,
महेंद्र संघ महेंद्र, तो आपको अगर कोई बुलाना चाहे तो कैसे बुलाया, आपको कैसे कांटेक्ट करे कि नहीं भाई हम कौशल किशोर जी को बुलाना चाहते हैं, अपने छात्रों को चाहते हैं कि भाई वो नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं, क्योंकि बड़ा आदमी कोई बात कोई काम करता है तो उससे आदमी प्रेरित होता है, और मैं समझता हूं कि ये अभियान और बड़ा हो सकता है। कोई भी मुझे बुला सकता है, मेरे नंबर पे फोन कर सकता है, मेरे घर पे आ सकता है, किसी से कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, मैं अधिकारियों के लिए मंत्री हूँ लेकिन जनता के लिए मंत्री नहीं, उनसे कार्यकर्ता की तरह, दोस्त की तरह। बहुत बढ़िया भाई, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये नेता देखिए वही बड़ा होता है जो जनता के लिए हो, और ये बहुत अच्छी बात है। कौशल जी, जैसा आपने बताया कि तकरीबन 22 करोड़ लोग जो है आपकी शपथ ले चुके हैं, नहीं 10 करोड़ और 22 करोड़ का आपका संकल्प, 23 करोड़ का आपका संकल्प है, ये संकल्प कब तक आप पूरा करेंगे? 31 दिसंबर 2023, चूंकि सन 2023 है इसलिए 2023 31 दिसंबर तक पूरा करेंगे। 31 दिसंबर सबसे खतरनाक दिन है नई पीढ़ी के लिए, लोग शराब के लिए आप करते हैं, आइए पहला पैक फ्री, पहला पैक शुरू कर देगा तो फिर शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी नशा पहली बार अपने पैसे से शुरू नहीं करता। दोस्त अपना अपना एक मित्र मंडली जो होती है, अपना एक साथी नशेड़ी बनाते पिला करके, जब शुरू कर देगा तो उसको भी पिलाएगा, और जब आदत पड़ जाती तो शुरू करने का काम करते हैं। इसलिए जो है बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए उनके सामने किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये, जितना भी नशा बेचने वाले हैं वो कोई नशा नहीं करता। सिगरेट बेचने वाला खुलेआम सिगरेट बैठ के नहीं पीता दुकान पे, गांजा बेचने वाला, भांग बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, चरस, कोकीन, स्मैक, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, कुछ भी बेचने वाला खुद नशा नहीं करता। यहाँ तक शराब बेचने वाला सेल्समैन भी शराब नहीं पीता, उसको अगर आप देंगे कि आप एक बोतल खरीद रहे हैं आधी आप पियो आधी हम पे, नहीं पिएगा वो। नशा बेचने वाला नशा नहीं पीता, वो केवल लोगों को बेच करके कस्टमर बना रहा और धन कमा रहा, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। उस साजिश के तहत हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। तो इस साजिश को मुक्त करने के लिए कोई अभियान आप चला रहे हो या आपके मन में कोई विचार हो ऐसा? देखिए, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने 1857 से 1947 तक, अगर आप राजीव दीक्षित जी को सुनेंगे तो उनके अनुसार 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अंग्रेजों से लड़ते जी। 90 साल में देश आजाद हुआ, लेकिन 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने, माफ कीजिएगा लाइट चली गई, खैर हम लोग फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शुरू करें धीरेन जी। कर रहे थे उसको मतलब कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं? जो राजीव दीक्षित जी के अनुसार जी, शराब की पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली। अच्छा। और उसने कहा आओ शराब पियो, मौज करो, मस्त रहो। पहले दिन एक कस्टमर आया, मुफ्त में छक्के पिलाया, दूसरे दिन दूसरे को लाया, तीसरे दिन तीसरे को लाया, महीने में सैकड़ों की संख्या में आने लगे, छक छक के शराब मुफ्त में पिए, और बाद में वो जब एडिक्ट हो गए तो घर में चोरी करके शराब पीने लगे। तो शराब की दुकान अंग्रेज खोला हमारे यहाँ, पुर्तगाली हमारे देश में अफीम, चरस, गांजा, तम्बाकू लेकर के आए। बड़ी ताजुब की बात है कि जानवर भांग और गांजे का पेड़ नहीं चढ़ता, वो सूंघ के चला जाता, आदमी उसको चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। मैं कहना चाहता हूँ ये साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है। हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग नशे की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। प्रत्येक घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से मर रहे हैं। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी हैं आपके राम मनोहर लोहिया, उसमें कैंसर डे पर मैंने ये कार्यक्रम किया तो उन्होंने बताया 12 प्रकार का कैंसर शराब पीने से होता है। गले का कैंसर, जबड़े का कैंसर, दांत का कैंसर, आपके जीभ का कैंसर और फेफड़े का कैंसर, ये तंबाकू के पदार्थों से होता है। तो कैंसर कितनी चीज़ों से हो रहा है, लगभग 13,92,000 लोग पर डे कैंसर की वजह से हमारे देश में मरने का काम कर रहे हैं। लोगों को इससे बचना है, कैसे बचेंगे? एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की है जी कि जितने पूरे देश के अंदर हार्ट के पेशेंट, उसमें अकेले 60% हार्ट के पेशेंट हमारे देश में हैं, और 60% में जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें 25 से 40 साल की उम्र के बीच में 40% लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है। 40 से 60 बीच के लोगों में 25% हार्ट की बीमारी है। क्यों? नशे की वजह से है। खान पीन इनका ऐसा हो गया है जिससे जो है ब्लड को सर्कुलेशन बढ़ने का काम होता है। एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें मालूम हुआ कि 60 साल की उम्र केवल 11% लोग हमारे देश में क्रॉस कर पा रहे हैं, 70 साल की उम्र केवल 7% लोग, 7% लोग क्रॉस कर पा रहे हैं। क्योंकि हेल्थ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप जी जी, इसीलिए इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ जी जी कि खाना आपका ऐसा होना चाहिए, पीना आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का काम करे। अपने दिल में टारगेट तय करें कि 100 साल जिंदा रहने का काम करेंगे, ऐसे खाने की चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ऐसी चीज़ें हम नहीं खाएंगे जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बेकार हो जी, हमारी किडनी लीवर फेल हो, हमको नुकसान करे। नशा इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए लोगों को नशे से बचने की ज़रूरत है। अभी आगामी 9 अगस्त को जी अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो डे है जी जी, उस दिन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम उसी तर्ज पे हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं और सभी समाज के लोगों को बुला रहे हैं। तमाम उसमें एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं जी जी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वकील हैं, इसके अलावा जो है किसान हैं, मजदूर हैं, सभी ट्रेड के लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिल्ली से एक संदेश देंगे, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, नशा मुक्त भारत बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जनपद चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। दिल्ली की 26 जनवरी की परेड में नशा मुक्त भारत अभियान की झांकी शामिल हुई। आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने अभी एक सप्ताह पहले 144,000 किलोग्राम ड्रग्स को जलाने का काम किया। 2013 से 2022 तक हमारे देश में 64,00,000 टन ड्रग्स पकड़ के अब तक के जलाई जा चुकी है। तो एक साजिश हमारे देश के अंदर है हिंदुस्तान के नौजवानों को फंसाने की। लोग बचे, कोई भी दोस्त कितना भी खास हो और रिश्तेदार, अगर किसी से सिगरेट पीने के लिए, मसाला खाने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, स्मैक पीने के लिए, शराब का एक घूंट भी पीने के लिए अगर ऑफर करता है तो समझ लो वो अपना कस्टमर बना रहा है आपको। आप उसके चक्कर में ना पड़े और नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं पीना चाहिए, नशे से दूर रहने चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही। अब मैं समझता हूँ कि कौशल किशोर जी बड़ा अभियान चला रहे हैं और हम लोग भी यही कहेंगे कि नशे के चुंगल में मत फंसिए। चाहे कोई कितना भी आपको कहे, बहलाए, फुसलाए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और 100 साल अगर जीना है तो कम से कम ये प्रण करिए कि नहीं, हम नशे से दूर रहें। कौशल जी, आपने इंडिया न्यूज़ के इस खास शो हेल्थ प्रोग्राम में, हमने आपको इसी उद्देश्य से बुलाया था, और देखिए हमने न एक भी राजनीति का सवाल पूछा और एक भी न मैंने आपके मंत्रालय का सवाल पूछा। हमारे लिए जरूरी ये है कि नहीं, हम निरोग रहेंगे तभी शायद आपका मंत्रालय जो घर देने का काम कर रहा है उस घर में रह पाएंगे। अगर हम निरोग नहीं रहेंगे, रोगी रहेंगे, तो कुछ समय हमारी अल्पायु होगी और शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये जरूरी है, हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं, हम आपके जरिए ये जो बड़ी बात है लोगों तक पहुँचाएँ, और हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, वो नशे से दूर रहेंगे। आपने इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम में भाग लिया, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।